we are 42,000 people are working in Singareni area, and after Modi government came into the power, he is doing like all 44 labor laws into 4 courts, and he is doing privatization of all PSUs. You want to cancel all 4 labor courts. So you are going from being laborers to bonded laborers. They are making you like bonded labor. Yes. Yes. जो पहले हुआ करता था 200-300 साल पहले वो ही आपको बना रहे हैं फिर से. तो इसके जो 4 पॉइंट्स हैं ये क्या हैं? We cannot do strike. You cannot do strike. Second point, there is no job security. They can remove immediately without any notice period or something like that. Third, extending working hours to 12 hours. Okay, and fourth, there is no social security for all workers. पहले जो है ना 1,10,000 आदमी है, अभी 40,000. लेकिन 40,000 नहीं है सर, अभी भी 1,10,000 है, लेकिन परमानेंट कर्मचारी नहीं है सर. अभी एक बात है सर, इसमें क्या है, जो इंडस्ट्री चलाने के लिए जितना भी जो व्हीकल्स है और जितना भी जो इक्विपमेंट्स है, डीजल पेट्रोल जो भी है, किसी में भी कम नहीं है सर. लेकिन लेबर जो है ना बहुत सस्ता मिलेगा. ये लेबर का जो पैसा है बड़ा आदमी ले रहा है, तो बड़ा जो अंबानी है, अदानी है, जो इन लोग जो है ना वो अपना पेट बढ़ा रहे हैं. आप यहाँ ये जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये आप इसको रोकना चाहते हैं? आप करते क्या हो? मैं टेक्नीशियन सर, मैं फिटर हूँ. फिटर है? फिटर हूँ, वो सिर्फ यही माइन में काम करता हूँ. अच्छा, और आप? अंडरग्राउंड में काम करता हूँ. प्रोडक्शन जो रहते ना सर, वो E&M काम करते हो, लाइक जो भी सामान है वो शिफ्ट करना है हम लोग करते हैं. मतलब गाड़ी मशीनरी के साथ करना है, वो करना है. गवर्नमेंट था जब एग्जम्पशन था, अभी बीजेपी गवर्नमेंट आए, एक पैसा भी एग्जम्पशन नहीं है. हम अंडरग्राउंड भी बजट से